चल थोड़ा टाइम भगाते मजा करते। अरे ये देख ये बंदा देख। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग मनोर डैम आए, मनोर डैम घूमा और अभी यहाँ से निकलने का प्लान हो चुका है, निकल रहे हैं। निकलने का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट कुछ दो बज गया एंड लोकेशन काफ़ी अच्छा था बट अभी दो बज चुका है एंड धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। घर पे जाने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ से कुछ 2 घंटा लगेगा हम लोगों को, तो 4 बजे तक पहुँचेंगे सनी। चलो तो स्टार्ट करते अपना राइड गणपति बप्पा मोरिया। पानी का प्यास भी बहुत ज़्यादा लगा है बट अभी वो हम लोग हाईवे पर जाने के बाद शायद से पियेंगे या फिर बीच में कोई ऐसा जगह मिला जहाँ पे पानी का बॉटल मिल के छाव भी मिले तो वहाँ से लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे धूप में चल के पूरा पसीना पसीना हो गया है। सो थोड़ा सा छाव में रिलैक्स करेंगे तो वहीं पे देखते हैं डिसीजन क्या होगा, आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा ब्लॉग के अंदर। अभी हम लोग आ चुके हैं मनोर सिटी के अंदर या विलेज के अंदर और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है हाईवे। सनी पीछे छोड़ गया और इसके वजह से ब्लूटूथ डिसकनेक्ट हो गया। शायद से ये स्कूल के जो बच्चे हैं वो आ रहे थे वहाँ से, तो उसके वजह से ज़्यादा पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होगा उसके वजह से। हाय सनी, कॉलिंग करते हैं सनी को, रुको। लग गया कॉल, लग गया ना अरे डिस्कनेक्ट हो गया था वो, तू पीछे रह गया था ना। चल अभी पानी पीना है तो उसके लिए आजा, चल कोई नहीं यार। वैसा यूटर्न था उधर, चल कोई नहीं एक्सप्लोर कर लेते ये भी है ना। सो गाइस नया एक्सप्लोरेशन चालू हो गया हम लोगों का और प्लान बना है कि रास्ते में रुक के कॉफ़ी पीते हैं और प्यास लगा है तो पानी भी पियेंगे। बट फाइनली हाईवे पे या फिर ऐसा खुले रास्ते पे चलाने का ना जो मज़ा आ रहा है अभी वो नेक्स्ट लेवल है। क्या बोलता है सनी तूने तो जैकेट नहीं पहना, तेरे को तो अच्छा हवा लगता रहेगा। अरे ये देख ये बंदा देख। वापी दूर नहीं है, जाना है क्या 79 है हाँ 79 किलोमीटर वापी वापी हाँ रात तक रिटर्न आते हैं। दमन भी नज़दीकी है, अपने को गुजरात बॉर्डर क्रॉस करने देगा क्या? अगर वो ये मांग लिया तो सर्टिफिकेट अच्छा ऐसा है अच्छा ना, एक स्टेट टू दूसरे स्टेट में रहेगा तो। चल आगे एक अच्छा होटल देख के रुकते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, जैसे आप लोग देख रहे हो एक बार फिर हम लोग शायद से सूप सागर में रुकने वाले हैं हाँ रुके थे ना सूर्या डैम के इधर, देखा तू बोल रहा था ना अजीब से लोग देख रहे हैं हाँ चल अंदर जाते। Few moments later. So, जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे रुके थे शूप सागर में, हम लोगों ने यहाँ पे कॉफ़ी पिया और थोड़ा सा कुछ खा भी लिया साथ में। अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाने वाले हैं सीधे घर पे एंड गूगल मैप के हिसाब से कुछ 2 घंटा लगेगा। बीच में ट्रैफिक है फाउंटेन के यहाँ पे, वो ट्रैफिक अब देखते हैं अपने को कितना परेशान करता है घर पर जाने से पहले। वैसे तो अभी
धूप है बट आई थिंक सो 3 बजे के आसपास का टाइम है, तो शायद से धूप अपने को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। एंड सामने वाला भी कैमरा चालू कर देते हैं। हाय सब लोगों को, भी मैं सामने वाले कैमरा से दिखाई दे रहा हूँ। मज़ा आया राइड पे। अभी मैंने अपना ब्लूटूथ चालू कर देता है। चलो हो गए हम लोग रेडी, ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो गया है मेरा और सनी का हेलमेट का। अभी चलाने में मज़ा आएगा, क्या बोलता है सनी? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा धूप आ रहा अभी आँख में। वाइजर डाउन करना पड़ेगा, हो गया। सो हियर वी आर, हेलो। ये है कौन सा, वैतरना रिवर। सनी बोल रहा है वहाँ पे कुछ तो अच्छा सीन है। सो यहाँ से देख जाना है नीचे, नीचे जाने के लिए जगह है, स्टेप्स है। हाँ ये इधर 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 देख, इधर मैं आ रहा हूँ उधर। अरे इधर से जगह है, हाँ स्टेप्स है। मेरा कैमरा और सब लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर। वाओ सही है रे। नहीं नहीं नहीं, वो कचरा बिचरा आया रहेगा तो अटका है। मस्त है, अभी तो नदी फुल भरा हुआ है, बाद में कम होगा पानी। अच्छा है। चलो गाइस, आपने देख लिया कैसा लगा आपको बताना, अब ज़्यादा नहीं रुक सकते। चल सनी रेडी। चल थोड़ा टाइम भगाते हैं, मजा करते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फीलिंग जब आप बाइक के ऊपर बैठते हो और बाइक को चलाते हो। गाइस सच में इतने दिन बाद ऐसे जगह पे बाइक चलाने के बाद एकदम से मज़ा आ गया, क्या बोलते हैं सनी? फ्रेश फ्रेश तो लग रहा दिल को, मज़ा आ गया। लेकिन क्योंकि बहुत टाइम से घर पे बैठे बैठे ना कंटाला आया था, ऐसा हो रहा था कि कभी राइड पे जाए, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जा नहीं पा रहे थे हम लोग। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वसई में एंड सिटी का ट्रैफिक चालू हो चुका है। आप जैसे देख पा रहे हो अब तक के रास्ते एकदम से खाली थे, बट अभी ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते पे। एंड लास्ट टाइम पे जो बता रहा था 94 किलोमीटर्स, आप बता रहा है ओनली 66 किलोमीटर्स मुंबई, बट अभी का जो रूट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला और स्लो रहने वाला है। तो जैसे कोई नहीं, यही तो है अपना मुंबई का शान, ट्रैफिक। Few moments later. I think so, सनी बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट गया है क्योंकि मैं स्पीड स्लो करके कब से चलाया जा रहा हूँ। बाइक मेरा है 60-70 के आसपास, बट अब तक सनी दिखाई नहीं दिया है। एंड हम लोग का ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ उसके बाद डिसकनेक्ट हुआ, उसके बाद वो कहाँ पे गया कुछ पता नहीं है। एंड पीछे से कुछ राइडर्स भी आ रहे हैं, तो हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं सनी के लिए। दूसरे राइडर सा जा रहे हैं, अब तक सनी नहीं आया लेकिन। ओह माय गॉडनेस, ये घुस गए हम लोग ट्रैफिक में।
आगे ट्रैफिक ख़त्म करके फाउंटेन के पहले थोड़ा रुक के देखेंगे, सने मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा अभी रास्ते पे, क्योंकि ट्रैफिक में एक बार जाने के बाद एक फिर से मिलना मुश्किल है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं सनी कितना दूर है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाउंटेन और ट्रैफिक बहुत ही झकास वाला यहाँ पे लगा हुआ है। एक्चुअली पहले ही देख लिया था आपने, ट्रैफिक लगा हुआ है एंड सनी थोड़ा सा आगे जा चुका है अपने से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो वहाँ पे रुकेगा, तो उससे मिल के उसको बाय बोलते हैं, फिर हम लोग जाते हैं अपने घर की ओर जो कि है थाने में एंड सनी रहता है बोरीवली में। सो देखते हैं क्या होता है। अच्छा चलो कोई नहीं, सनी का कॉल आया था, वो बोला कि वो एक्सट्रीम राइट में था इसीलिए वहाँ पे रुक नहीं पाया, बट चले कोई नहीं, ऐसा होते रहता ट्रैफिक में, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे या कभी कोई छूट जाता है। एंड अभी यहाँ से मेरा घर है कुछ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास, सो देखते हैं रास्ता कैसा है, क्योंकि आने के टाइम पे तो ये पूरा पैच ही गया था, अब जाने के टाइम पे देखते हैं कितना अच्छा रास्ता रहता है। वाह मैन, सुबह से लेके ट्रैफिक अब तक है यहाँ पे, ये साइड पे देख रहे हो वो फाउंटेन क्रॉस किया उधर से लेके ये ट्रैफिक अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। एंड सुबह जब मैं गया था तभी भी सेम ट्रैफिक था, अभी पता नहीं है ट्रैफिक और कितना लंबा तक है, बट ऑलरेडी लोग कंटाल चुके हैं इससे, पता नहीं किसकी वजह से ट्रैफिक लगा है। अच्छा कल मुझे यही साइड जाना है, अगर यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो मैं पवई साइड से चला जाऊँगा। Much later. So guys, that's it for the video. आपको ये व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। बाय बाय।